नुहू जिले में पिछले 24 घंटे में गुरुवार शुक्रवार को 25 नए सामने केस आए हैं, जिसमें गुरुवार शाम को 8 नए केस आए तथा शुक्रवार सुबह 17 नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार सामने आए 17 केसों में फिरोजपुर झिरका 3, पुनहना 4, अड़वर 4, ताबड़ू 3, नुहू 5, पिनगवा 1 केस सामने आया। जिले में कोविड से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शुक्रवार को 19 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। नलहड़ मेडिकल कॉलेज में नुहू के अलावा आसपास के जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट के दौरान काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। नुहू डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि नुहू स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जाँच कर रही है। कोरोना ग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच विभाग जुटा हुआ है। नुहू डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि जिले में कोरोना के अब 117 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 410 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अब तक 287 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में अब तक 11,113 लोगों को सर्विलांस पर रखा जा चुका है, जिनमें से 9,194 लोगों का निगरानी में रखने का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 1,919 लोग अंडर सर्विलांस हैं। अब तक 10,101 लोगों के सैंपल लेकर लैब में भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 9,485 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि 124 लोगों की रिपोर्ट आना बकाया है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। शाम और आज सुबह, कल शाम को 8 और आज सुबह 17, टोटल 24 घंटे में 25 केस। कार्रवाई का ये है विभाग द्वारा कि इनको आइसोलेट कर दिया गया है और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में जैसे कंसर्न मेडिकल ऑफिसर SMO को बता दिया गया है, वो साथ साथ में कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सैंपल थे, सैंपलिंग आप देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम 200 के आसपास या ऊपर सैंपलिंग कर रहे हैं। कुछ सैंपल अब आज हमारे 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। केस टोटल हमारे 410 हो गए हैं। एक्टिव केस हमारे अब 117 हैं और जो डिस्चार्ज या रिकवर हैं, आज की तारीख में हमारे 19 रिकवर हुए हैं, 287 हमारे रिकवर हो चुके हैं।